नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है और वो रिलीज़ कर दिया गया है। आप मेरे सामने इस समय जो देख रहे हैं वो इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर से आप इसको देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले पहली चीज़ जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, यानी कि आप 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। आपको लेट फीस 0 देनी पड़ेगी, यानी कि कोई लेट फीस नहीं, सिर्फ उतना फ़ीस देना पड़ेगा जो कि आपका एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट को अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 150, दो सब्जेक्ट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 300 रुपये। मोड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन होगा। उसके बाद 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर जो है वो आपको 500 रुपये की एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, लेट फीस जिसको कहते हैं। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे और 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको 1000 रुपये ही देने पड़ेंगे, लेकिन फिर आपको ये जो जमा करवाना होगा वो ऑफलाइन करवाना होगा, यानी कि रीजनल सेंटर में जाकर। आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें काम करवाने, कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। काफ़ी सारे इस बार दिशा निर्देश ज़्यादा दिए गए हैं पिछली बारों के मुकाबले। यू कैन ऑप्ट फॉर ओनली दोज कोर्सेज फॉर विच यू आर एलिजिबल टू अपियर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2019। जिनके लिए आप एलिजिबल हैं उन्हीं का ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स का, यानी कि जिनके लिए आपने अपना पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया। अगर आप ईयरली एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि आपका कोर्स ईयरली है, तो आपने जिन सब्जेक्ट को जनवरी में चूज़ किया था उनका ही एग्ज़ाम आप दिसंबर में दे सकते हैं। और अगर आपने सेमेस्टर का चॉइस चलता है तो जिन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने जुलाई में दिया था उन्हीं का ही आप अब दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर 6 मंथ का कोई कोर्स है तो 6 मंथ पूरे होने चाहिए, 12 मंथ का कोई कोर्स है तो 12 मंथ पूरे होने चाहिए। स्टूडेंट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड द असाइनमेंट्स, यानी कि उन्होंने पहले से ही हर बच्चे ने असाइनमेंट अपने सबमिट कर लें। जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे उनका हॉल टिकट रिलीज़ नहीं किया जाएगा। एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2019 आर अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। रिजल्ट जो है जून टर्म एंड का वो अवेलेबल है इग्नू की वेबसाइट पर, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्लीज़ क्लिक हेयर करके, यानी कि यहाँ पर से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया तो रिजल्ट डिक्लेयर होने का इंतज़ार ना करें और एग्ज़ाम फॉर्म भर दें अगर आप भरना चाहते हैं तो, ठीक। इन केस यू आर एलिजिबल टू अपेयर इन अ कोर्स फॉर दिसंबर बट द कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, प्लीज़ राइट टू रजिस्ट्रार srd@ignu.ac.in। अगर ऐसा कोई कोर्स है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए लेकिन ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो registrar@ignu.ac पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक। एग्जामिनेशन फी वंस पेड विल नेदर बी रिफंडेड नोर एडजस्टेड इन एनी फॉर्म, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी एक बार आपने दे दी तो वो किसी भी तरह से वापस नहीं की जाएगी। प्रोसेस टू सबमिट टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर कोड फ्रॉम द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एग्जामिनेशन फॉर्म सेंटर का कोड जो है आप ऑप्शन जो भी अवेलेबल हैं वेबसाइट पर उनको देखकर क्लिक करें। फॉर रीजनल सेंटर वाइज लिस्ट क्लिक हेयर टू व्यू, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले अभी हम आगे तक चलेंगे। यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू करके आप रीजनल सेंटर्स को चेक कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, स्टूडेंट विल फाइलिंग द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म हैव ऑल्सो ऑप्शन टू सेलेक्ट 3 choices ऑफ एग्जाम सेंटर फ्रॉम द सेम रीजनल सेंटर, यानी कि एक रीजनल सेंटर से आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर भर सकते हैं, ठीक। सिलेक्ट कोर्सेज केयरफुली वाइल फाइलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म एज पर वैलिड रजिस्ट्रेशन, यानी कि ठीक तरह से देखिए आप किसका एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। साथ में यहाँ पर ये देखिए कि फाउंडेशन कोर्स FST और BSHF 1 का एग्जाम इस बार एग्जाम 2 बार होगा, यानी कि BA BCOM वालों का अलग होगा और BSc वालों का अलग होगा, जिसका डेट शीट इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। FST जो है फाउंडेशन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी 30/12/2019 को BA और BCOM का होगा, यानी कि 30 दिसंबर को BA और BCOM वाले बच्चों का होगा और 7 दिसंबर को होगा BSc और अदर प्रोग्राम का। BSHF 101 9 दिसंबर को होगा BA BCOM का और 18 दिसंबर को होगा BSc और अदर प्रोग्राम्स का, ये आप ध्यान में रखेंगे। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट स्लिप विद द फॉलोइंग डिटेल, आप जब इसको सबमिट कर देंगे फीस वगैरह देकर सब कुछ, तो आपको मिलेगा एक कंट्रोल नंबर, कोर्स कोड और डेट एंड सेशन। एक तरह से जो भी चीज़ें आपकी डेट शीट वगैरह वो आपको पहले से ही मिल जाएगी, जिससे कि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक।
उसके बाद दिल्ली एंड एनसीआर के स्टूडेंट में प्लीज़ सेलेक्ट द लोकेशन एग्जाम सेंटर विल बी अलॉटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि दिल्ली एनसीआर के जो बच्चे हैं वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर ठीक से भरें। 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे कोर्स अगर आपका थ्योरी है, या फिर 150 रुपये ही देने पड़ेंगे अगर आपको प्रैक्टिकल का कोई कोर्स का एग्ज़ाम देना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर थ्रू द क्वेश्चन ओनली इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम्स इज ऑफर्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अब तक जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया भी था आपको कि आप जिस मीडियम में आंसर देना चाहते हैं उस मीडियम में आंसर दे सकते हैं। और अब तक ऐसे ही होता था कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम लिया है लेकिन आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं आंसर, यानी कि आपने सब्जेक्ट आपका इंग्लिश में है लेकिन आप हिंदी में आंसर देना चाहते तो दे सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर थ्रू द क्वेश्चन ओनली इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम ऑफर किया गया है उसी को ही आपको देना पड़ेगा, वरना आपको रिजल्ट चेक नहीं किया जाएगा, आपके आंसर से रिजल्ट चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अनसक्सेसफुल अगर सबमिशन होता है तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस 72 घंटे में यहाँ पर से, ठीक। और रिलेटेड टू रिफंड एक्सेस एग्जामिनेशन फॉर्म, इसमें आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। हॉल टिकट जो है वो लगभग 10 दिन पहले आपका इसको मिल जाता है, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्तों में आपको आपका एग्ज़ाम हॉल टिकट मिल जाता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल टिकट के साथ आईडी भी ज़रूर लेकर जाए अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। आगे देखते हैं, द लिंक फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कोड विल बी ओपन फॉर 5 to 20 10, द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर कोड विल नॉट बी अटेंडेड बियॉन्ड 20 अक्टूबर 2019, यानी कि आपको अगर कोई अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, तो फिर आपको 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ही चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ऐसी कोई भी प्ली जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर डिक्लेरेशन में राइट भर देते हैं और प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, इसको आपको भरना है। पहले उसमें आपको अपना प्रोग्राम कोड लिखना है, जो आपका प्रोग्राम कोड है, ठीक, BSc है, BA है, BCom है, जो भी है, MA है, MAH है, MHI है, जो भी है वो भरना है। फिर एनरोलमेंट नंबर भरना है और फिर मोड ऑफ पेमेंट भरना है। अब इसको भर देते हैं हम और आगे चलेंगे। तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसके बाद जैसे ही आप उस डिटेल्स को भरेंगे उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम कोड, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर आपका पहले से ही लिखा हुआ होगा, मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर से आपको तीनों जो है उनको सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम सेंटर कोड 1, preference 1, preference 2, preference 3, जो भी। बाद आपको यहाँ पर आगे हम देखें तो डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो तो आपको ही पता होगी। जेंडर भरना होगा, मेल हैं फीमेल हैं, ईमेल आईडी आपकी होगी यहाँ पर, मोबाइल नंबर होगा यहाँ पर, आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर नहीं भी भरते तो कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर अपने कोर्स कोड भर लेना है, जो भी आप कोर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। 2 कोर्स भरेंगे तो 300 रुपये, 3 कोर्स भरेंगे तो 450 रुपये, 1 कोर्स के लिए भरेंगे तो 150 रुपये। और उसके बाद फिर येस और नो सिलेक्ट करना है कि आपको आपने असाइनमेंट दे दिया या नहीं। आप येस भरेंगे और उसके बाद यहाँ पर से सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर से अपना रुपीज़ भरने होंगे, यानी कि पेमेंट प्रोसेस पे जाना होगा और पेमेंट कर लेनी होगी। उसके बाद फिर आप इसको देख पाएंगे, आपको जो स्लिप मिलेगी उसको आप लिख लें, अपने पास संभाल के रख लें, ठीक। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है, इसका एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत हो या एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।